क्योंकि अरे अरे बंद हो गई, बच गया अभी। ओ भाई ट्रेन आ चुकी है भाई, फटाफट से बैठते हैं, देख सकते हैं आप काफ़ी पब्लिक है। ये देखो भाई, फिर अब देखें यहाँ पर किस तरह से, देखें देख सकते हैं आप ये पूरी मेट्रो सुरंग के अंदर मेट्रो कुछ इस तरह की होती है बनी हुई। ये देखो ट्रेन बहुत बहुत प्यारी बनी हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आपको हर एक चीज़ यहाँ पर मिल जाती है। अभी चल रही है भाई सुरंग के अंदर, नीचे जमीन के अंदर मेट्रो, ये देख सकते हैं आप पूरा आपको अंधेरे अंदर नजर आ जाओगे। देखो अक्षरधाम का मंदिर, ये देखिए दिल्ली का फेमस। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो फाइनली आज के ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ दिल्ली मेट्रो की नाइट लाइफ, जी हाँ गाइस यहाँ की कुछ काली सच्चाइयाँ। तो अभी मैं आ चुका हूँ मेट्रो स्टेशन पर, जैसे कि आप देख रहे हैं ये मेट्रो स्टेशन है नोएडा सेक्टर 52 का। तो मुझे यहाँ से सीधा अभी जाना है दिल्ली की तरफ, जी हाँ गाइस ये जो है ना यहाँ से मुझे 15-16 स्टेशन तय करने पड़ेंगे। और देख सकते हैं अभी मेट्रो आने वाली है, चलो थोड़ा वेट करते हैं। और ये देख सकते हैं पूरा अभी मेट्रो खाली पड़ा है। तो यहाँ की कुछ काली सच्चाई जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज के ब्लॉग में। तो चलो मेट्रो का थोड़ा वेट करते हैं और यहाँ से निकलते हैं सीधा दिल्ली की तरफ। और गाइस लेने के बाद लीजिए लो, मेट्रो भी अपनी आ चुकी है। तो चलो मेट्रो में बैठ कर यहाँ से निकलते हैं सीधा, ये देखिए। तो गाइस ये होती है कुछ दिल्ली की मेट्रो, और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ की नाइट लाइफ क्या होती है, यहाँ की नाइट लाइफ मेट्रो, ये देखिए। चलो अभी बैठते हैं मेट्रो के अंदर और यहाँ से निकलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं भाई अभी अगला स्टेशन आ चुका है, और दिल्ली की मेट्रो में आपको इतना क्राउड मिलेगा, ये देखिए पूरे भरे पड़े हैं, ये देख सकते हैं आप। और पूरी सीटों पर आपको बैठे मिलेंगे और खड़े मिलेंगे। और टाइम अभी 9:30 हो रहे हैं रात के, देखिए एक राउट चलता भाई दिल्ली की मेट्रो में, रात का सीन ये देखिए। तो भाई साहब देख पा रहे हैं ये कुछ बाहर का नज़ारा है, रात में कुछ इस तरह से दिखता है नोएडा, ये देखिए यूपी में पड़ता है नोएडा। और अभी मुझे दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा मेट्रो से, ये देख सकते हैं आप काफ़ी आली भाई सभी आ चुका है मेट्रो स्टेशन, ये देखिए। और भीड़ चेक कर सकते हैं आप भाई, देखो देखिए रात का सीन है, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए किस तरह से लोग यहाँ पर आते हैं, देख रहे हैं आप, ये देखिए इतनी भीड़ चलती है। ये नोएडा बोटैनिकल गार्डन है जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और एक बार आप इधर को भी दिखाई दो, मतलब रात के 9:30 से पार हो चुका है टाइम। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं क्राउड चेक करो एक बार, देखो भाई काम धाम अपना सारे लोग यहीं करते हैं मेट्रो में, देखो ये देखो। और ये है मेट्रो स्टेशन, ये देखिए गाइस किस कदर लोग खड़े हुए हैं रात में भी। कुछ लाइफ यहाँ की दिल्ली की होती है, देखो थोड़ा स्लो बोलना पड़ेगा मुझे क्योंकि रात हो रही है, सारे लोग मुझे ही देख रहे हैं कि मैं क्यों वीडियो बना रहा हूँ, ये देख सकते हैं। मैं उतर चुका हूँ मयूर बिहार पे, ठीक है ये मेट्रो स्टेशन, और आप देख रहे हो मेरी मेट्रो निकल चुकी है। अभी मैं दूसरी मेट्रो में जाने वाला हूँ, उसके बाद 10 से 5 मिनट में मेट्रो आ जाती है, तो मैं उसके बाद में जाने वाला हूँ। तो यहाँ का मैंने सोचा आपको थोड़ा सा सीन रुक कर दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने वो अक्षरधाम देख पा रहे होंगे, ये देखिए थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखो ये पूरा दिल्ली का अक्षरधाम है, ये देखिए सामने, ये देख सकते हो, वो देख सकते हो, ये पूरा अक्षरधाम है, ठीक है। और अभी पूरा स्टेशन खाली हो चुका है, तो चलो अभी वेट करते थोड़ा मेट्रो का, फिर से यहाँ से बैठते हैं। देखो जैसे कि आप देख पा रहे हैं भाई ये दूसरी जो नोएडा की तरफ को आ रही है जिससे मैं अभी आया था, ये देखिए यहाँ पर किस तरह पब्लिक चढ़ती है, ये देख सकते हैं। और ये सीधी दिल्ली की तरफ से आई है, ये देखो। तो चलो अभी फटाफट से हमारी क्या थोड़ा इंतजार करेंगे हम, तो अपनी से जाएंगे, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये देखिए, ये देखो ये सीधा नोएडा की तरफ जाएगी, ये देखो। तो चलो अपनी तो इधर से आएगी और अपनी का थोड़ा वेट करते हैं, ये देख सकता है पूरा खाली पड़ा हुआ है, ये देखो। और सीधा नोएडा की तरफ से आएगी, ये देखो चलो निकलते हैं। ट्रेन आ चुकी है भाई, फटाफट से बैठते हैं, ये देख सकते हैं आप काफ़ी पब्लिक है, ये देखो भाई फिर आउट चेक कर सकते हो एक बार, ये देखो ये है अक्षरधाम। चलो बाय बाय अक्षरधाम, अभी निकलते सीधा अपनी दिल्ली की तरफ। जैसे कि आप देख पा रहे हो ये है अक्षरधाम का मंदिर, ये देखिए दिल्ली का फेमस, ये देख सकते। अभी रात की वजह से पूरा खाली पड़ा है, और दिन में यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, देखो आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने ये देखा होगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं सामने ही, देखो। तो भाई सभी मैं सीट पर बैठ चुका हूँ यार, काफ़ी थक गया था, मैंने क्या थोड़ा बैठते थे अभी, और अभी निकल रहे सीधा, और अभी आधे रास्ते आ चुके हैं, देखो भाई अभी मेट्रो रुकी भी है हमारी, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं दूसरी मेट्रो में बैठा था, ये देखो एक बार क्राउड चेक करो। चलो तो भाई सभी आ चुका है मंडी हाउस, ये देख सकते हैं, और ये हमारा दरवाज़ा वो बंद, चलो चलते हैं। सभी चल रही भाई सुरंग के अंदर, नीचे जमीन के अंदर मेट्रो, ये देख सकते हैं आप पूरा आपको अंधेरे अंदर नज़र आ जाओगे, देखो पूरा भाई अंधेरा अंधेरा नज़र आ रही होगा आपको, जमीन के अंदर चल रही है इसी, ये देखो बहुत ज़्यादा स्पीड है इसकी, देख सकते हैं आप, ये देखिए ये देख सकते हैं आप, अभी स्टेशन आएगा, ये देखिए
फाइनली गाइस स्टेशन आ चुका और आपने देखी कितनी स्पीड से सुरंग के अंदर चल रही थी, मतलब जमीन के अंदर यहाँ पर बना हुआ है। देखो आ चुका भाई मेट्रो स्टेशन, ये तो पूरा खाली पड़ा है इधर। तो गाइस ये है राजीव चौक का मेट्रो स्टेशन दिल्ली का, यानी बहुत बड़ा रेल मेट्रो स्टेशन। चलो अभी मैं आपको यहीं पर घुमाने वाला हूँ, चलो उतरते हैं यहीं। खुल गया भाई सिम सिम। तो भाई जैसे कि आप देख पा रहे हैं भाई, पब्लिक देखो कैसे उतर उतर कर भागती है। और ये दिल्ली का राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है और ये जो है ना सबसे बड़ा मेट्रो स्टेशन है, ये देख सकते हैं। तो अभी मैं आपको इसके नीचे भी लेके जाऊंगा, नीचे इसके सुरंग बनी हुई है तो मैं आपको इसके नीचे भी घुमाने वाला हूँ और ये पूरा स्टेशन आपको टूर कराने वाला हूँ। ये देख सकते हैं ऊपर से कुछ ऐसा नज़ारा है, ये देखिए। तो बाय बाय बोलते हैं अपनी मेट्रो को क्योंकि निकल रही है। बाय बाय टाटा, चलो गई, अभी आपको लेकर चलता हूँ नीचे की तरफ। आप देख पा रहे होंगे भाई फिर से एक मेट्रो आ चुकी है और देखिए यहाँ पर किस तरह से, देखिए देख सकते हैं आप ये पूरी मेट्रो, यहाँ पर लोग भाग भाग के आते हैं और एकदम से चढ़ते हैं। देखिए यहाँ की कुछ सच्चाई ऐसी है भाई, देख सकते हैं आप लेडीज़ से तो इस कदर होती है ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा, ये देख सकते हैं भीड़, ये देखो। तो चलो अभी नीचे की तरफ चलते हैं। सभी मैं जीने पर आ चुका हूँ और अभी मैं उधर की साइड जा रहा हूँ, मैं इधर उतर रहा था तो अभी आपको उधर की साइड दिखाता हूँ और फिर इसके नीचे भी जाऊँगा क्योंकि काफ़ी बड़ा है ये, देख सकते हैं भाई ये देखो। तो चलो चलते हैं अभी और देखते क्या रहता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो अभी मैं घूम रहा हूँ और रात के 10 बज चुके हैं मुझे आते आते, यानी कि पूरा एक घंटा लगा मुझे यहाँ पर आने में। मैं 9 बजे वहाँ से निकला था और पूरा एक घंटा लग गया। ये देखो अभी इधर की साइड आ गया हूँ मैं और आप चाहो तो लाइटें लाइटें देख रहे होंगे। और ये देखो भाई एक बार क्राउड चेक करो, ये देखो देख सकते हैं सभी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। देखिए यहाँ पर पब्लिक चेक कर सकते हैं भाई एक बार, ये देखो। तो यहीं से सारी पब्लिक उतरती है और ये सीधा नोएडा वाली जिससे मैं भी आया हूँ, तो मैं अभी इधर की साइड आ चुका हूँ और अभी चलते हैं उधर की तरफ। ये देखिए ये देख पा रहे हो भाई एक बार क्राउड चेक करिए, यहाँ पर सारे लोग इसी तरह घूमते हैं। देखो पूरी मेट्रो, ये देखो पूरी खाली है, ये देखो। अभी मैं तुम्हें नीचे की तरफ लेकर चलता हूँ क्योंकि सुरंग के अंदर बना हुआ भाई जमीन के अंदर। अभी मैं नीचे का आपको टूर कराता हूँ और जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये नीचे का रास्ता है तो यहीं से चलते सीधा आपको कैंटीन वगैरह भी यहाँ पर मिल जाती है। ये देख सकते काफ़ी अच्छी सुविधा होती है यहाँ की, ये देखो। तो चलो अभी नीचे की तरफ चलते हैं और यहाँ से तो सीधा आ रही हैं तो अभी मेरे को उधर जाना पड़ेगा शायद। चलो चलते हैं और यहाँ पर देखो भाई पूरी कैंटीन वगैरह आपको मिल जाती है। चलो चलते हैं और आपको दिखाते हैं जैसे अभी अभी मैं नीचे की तरफ जाऊँगा। ये देखिए ये देखो किस कदर यहाँ पर घूमती है भाई, ये है नीचे की सुरंग। चलो इधर से चलते हैं, ये देखो अभी मैं बिल्कुल नीचे आ चुका हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं भाई ये है बिल्कुल नीचे का सीन, ये देखो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं भाई यहाँ पर आपको इतनी लाइनें मिल सकती हैं, यानी कि आप इतना सफ़र कर सकते हैं देखो मेट्रो से। ये देखो हमने आप देख रहे हैं ये लिफ्ट है, ठीक है, यहाँ से सीधा ऊपर जाते हैं। बट मैं अभी नीचे आ चुका हूँ और मैं जो नीचे जीने से आया हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी क्राउड आप चेक कर सकते हैं भाई। ये नीचे सुरंग के अंदर बना हुआ है, ये देखिए इधर भी मेट्रो येलो लाइन है और इधर भी आप देख सकते हैं। देखो तो चलो ये देख सकते हैं आप नीचे का नज़ारा कुछ ऐसा होता है, सुरंग के अंदर मेट्रो कुछ इस तरह की होती है बनी हुई, ये देखो। तो अभी ये मेट्रो आई है, ये देख सकते हैं, ये देखो भाई ये सुरंग के नीचे का सीन, ये देखो। ये देखो गाइस इस तरह से लोग एकदम भागते हैं भाई, ये देखो क्योंकि अरे अरे बंद हो गई, हाँ बच गया अभी वो भाई, ये देखो मतलब इतनी जल्दी करते हैं ना भाई, अभी बच गया यार वो, ये देखो। तो अभी चल रहे हैं सीधा ऊपर नीचे से, ही देखिए यहाँ पर आपको ये लगी हुई मिलेगी लिफ्ट जीने वाली, ये देख सकते हैं। चलो भाई आराम से चलते हैं ऊपर की तरफ और देखते भी क्या रहता है। और यहाँ पर जो थोड़ा स्लो बोलना पड़ता है क्योंकि भाई पब्लिक आसपास चल रही है, अब तेज़ नहीं बोल सकता। ये देखो आपको यहाँ पर हर एक चीज़ मिल जाएगी भाई, कैंटीन वगैरह भी काफ़ी अच्छी अच्छी है। ये देखिए दिल्ली का रात का नज़ारा अलग ही होता है गाइस, ये देखो ये देख सकते हैं भाई कैंटीन बहुत बहुत प्यारी बनी हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे आपको हर एक चीज़ यहाँ पर मिल जाती है, पर महंगी बहुत मिलती है ये भी बात आप ध्यान में रखना गाइस। ये देखो गाइस अभी मैं इधर की तरफ आई हूँ यानी उल्टी की साइड, तो मुझे पल्ली साइड जाना पड़ेगा उधर की तरफ। तो चलो अभी फिर से जीने पे जाना पड़ेगा मुझे, फिर जीना देखता हूँ भाई इतना बड़ा ना यहाँ पर आप रिल जाओगे। अभी मैं इससे बाहर आया हूँ, ठीक है, अभी फिर से मुझे उधर की साइड में जाना पड़ेगा। ये देखो चलो चलते हैं यहाँ से अभी उधर की साइड और निकलते हैं यहाँ से अब क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है घूमते घूमते। ये देखो भाई चलो अभी बाहर की तरफ चलते हैं और मैं जो है ना यहाँ से जाऊँगा सीधा अभी बाहर की तरफ। ये देखो ये जा रहा है बाहर की तरफ रास्ता, चलो चलते हैं और यहाँ से खोलते हैं भाई इसको। ये देखो इस तरह से अभी मेरे पास पर्स है, मैं पर्स से ही खोल दूंगा, ये देखो खुल गया। चलो भाई चलते हैं, ये देखो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ मिल जाती है खाने की, मोमोज वगैरह हर एक चीज़, ये देखो पर महंगी बहुत होती है। ये देखो भाई
और यहाँ आपको टिकट वगैरह लेने पड़ेंगे। ये देख सकते हैं सारा ऑनलाइन वगैरह का सिस्टम होता है, ये देखिए। और इधर से भी एक एंट्री है, ये बाहर जा रहा है, तो मैं भी बाहर की तरफ भी जा रहा हूँ गाइस। और यहाँ की काली सच्चाई भी आप देख सकते हैं किस तरह से लोग आ रहे हैं। ये देखो, यहाँ पर आपको ब्लड चेक करवाना हो तो आप इस पर करवा सकते हैं, देख सकते हैं। चलो अभी बाहर की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या रहता है। ये देख पा रहे होंगे आप, तो सामने को मुझे निकलना पड़ेगा सीधा। ये देखो, ये होती है भाई यहाँ की काली सच्चाई। आगे आर्मी वाले हैं तो फ़ोन को रखना पड़ेगा। ये देख, अभी मैं आ चुका हूँ बाहर, और अब थोड़ा तेज़ बोल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई डर नहीं है। बट अंदर जो काफ़ी डर होता है, क्योंकि गाइस मेट्रो स्टेशन के अंदर भाई ब्लॉग बनाना बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि भाई आप जो है ना सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में होते हो, यानी कि देखभाल में होते हो भाई, वो आप पर फोकस करते हैं और आपको वहीं पर आर्मी वाले एकदम पकड़ लेंगे। बट मैंने पूरा रिस्क लेकर पूरा ब्लॉग शूट किया, यहाँ की पूरी आपको नाइट लाइफ दिखाई, क्या होता है क्या नहीं होता भाई, क्या होती है रियल लाइफ डेली, सारा कुछ आपको दिखाया। चलो अभी मैं बाहर आ चुका हूँ, तो फाइनली गाइस यहाँ से निकलते हैं अब घर की तरफ। और जैसे कि आप ये नज़ारा देख पा रहे होंगे, ये सीधा यहाँ कनेट पैलेस का नज़ारा है, ये देखिए। तो चलिए गाइस फाइनली ये व्लॉग कैसा लगा आपको, छोटी सी प्यारी सी कमेंट जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ओके बाय। किस्मत ने साथ दे दिया ना, इससे साल गेम पलट देंगे।